खबर अमेठी से है, जहां राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिले भर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। आंगनबाड़ी केंद्रों पर केक काटकर बच्चों का मुंह मीठा कराया गया। बता दें कि पीएम के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत जिला अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में हुई। गौरीगंज में राज्य मंत्री तिलोई नरेश मयंकेश्वर शरण सिंह ने पीएम के अवतरण दिवस पर नमो प्रदर्शनी का शुभारंभ फीता काट कर किया, जिसमें श्री मोदी के व्यक्तित्व की झलकियां प्रदर्शित हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर जिला अस्पताल गौरीगंज, राधेश्याम सत्य प्रकाश हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर जगदीशपुर के सीएमडी प्रख्यात सर्जन हड्डी एवं मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ. राम प्रकाश गुप्ता ने सरैया पीरजादा में रक्तदान शिविर व फ्री कैंप का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में पीड़ित व्यक्तियों की मुफ्त जांच के साथ मरीजों को आरएसएसपी हॉस्पिटल की ओर से फ्री दवाइयां मुहैया कराई गयी। राधेश्याम सत्य प्रकाश हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के सीएमडी प्रख्यात हड्डी व मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ. राम प्रकाश गुप्ता ने मानव सेवा करने का जो बीड़ा उठाया है वो वाकई में काबिले तारीफ है, और इनका ये प्रयास असहाय दिव्यांग व गरीब मरीजों के लिए निश्चित ही मील का पत्थर साबित होगा। डॉ. गुप्ता का कहना है कि हमारा सपना है कि हमारे परिवार के साथ समाज के सारे लोग सुखी व निरोग हों, और इसकी शुरुआत अंतिम पायदान पर खड़े गरीब मरीजों से हो। नरसेवा नारायण सेवा को आत्मसात करने वाले डॉ. राम प्रकाश गुप्ता ने ग्राम सभा सरैया पीरजादा में आयोजित निशुल्क कैंप में बताया कि हमारा हॉस्पिटल और उसके चिकित्सक, मेडिकल व टेक्निकल स्टाफ जिले के दूरदराज कस्बों, नगरों व गांवों में कैंप लगा रहे हैं, जहां बीमार लोगों का सैलाब उमड़ रहा है। हॉस्पिटल असाध्य बीमारियों की निःशुल्क जाँचें कर रहा है। कुशल चिकित्सकों द्वारा जाँच के बाद इलाज और दवाइयाँ मरीजों को मुफ्त मुहैया कराई जा रही है। आज भी इस कैंप में गंभीर रोगों से ग्रस्त 250 रोगियों को 95,000 की दवाइयां, सिरप, इंजेक्शन और टैबलेट मुफ्त किया गया। कैंप में डॉ. राम प्रकाश गुप्ता, महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. नैन्सी डी, वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के जनरल फिजिशियन डॉ. एस डी शर्मा सहित नर्स अनामिका पांडे और मुस्कान मौर्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेठी से रमेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। हम अमेठी जिला के जगदीशपुर ग्राम सरैया में आ चुके हैं, जहाँ पे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के पावन पर्व पे आज राधेश्याम सत्य प्रकाश ट्रामा सेंटर की ओर से चलाया जा रहा है निशुल्क कैंप शिविर। ग्राम सभा सरैया में यह कैंप शिविर लगाया गया है राधेश्याम सत्य प्रकाश ट्रामा सेंटर की ओर से। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के पावन पर्व पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसा कि आज हम जान रहे हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिवस है, उसी के पावन पर्व पर यह कैंप लगाया गया। तो जैसा कि सभी क्षेत्रवासी इस कैंप में आए हुए हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो कैंप लगाया गया है आपके गांव में, ये आपको कैसा लग रहा है और यहाँ पे जो विकास हो रहा है ये राधेश्याम सत्य प्रकाश ट्रामा सेंटर की ओर से, सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं आपके क्षेत्र के, तो आप कैसा फील कर रहे हैं और लोगों को क्या आदेश देना चाहेंगे, क्या निर्देश देना चाहेंगे? हमारे बीच इस समय मौजूद हैं सरैया ग्राम के प्रधान जी, इनसे जानते हैं कि राधेश्याम सत्य प्रकाश ट्रामा सेंटर का ये जो कार्य किया जा रहा है कैसा लग रहा है इन्हें और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी, के साथ चीज़ों का जो है जी जांच हो रहा है, और हमारे गांव के लोग जो है बहुत खुश हैं कि हमें निःशुल्क जो है हमारा जांच हो रहा है और हमें दवाइयां मिल रही हैं। और मैं राधेश्याम जी और प्रकाश जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे यहां कैंप लगाए, कैंप लगाकर लोगों को निःशुल्क दवाइयाँ दिया और लोगों की जाँच किए। मैं उनको बधाई देता हूँ, उनके हॉस्पिटल को बधाई देता हूँ और उनके जितने कर्मचारी हैं उनको बधाई देता हूँ। और ये शुभकामनाएँ हमारी है कि राधेश्याम जी जो है वो हमेशा अस्पताल में अपने लोगों को सहयोग करते रहे और उनका अस्पताल रात दुगुना हो जाए और वो सबकी सेवा करते रहे। जैसा कि आपने अभी सुना, ग्राम प्रधान जी ने उनका स्वागत किया, उन्होंने कहा कि ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से ये कैंप लगाया गया है हमारे इस ग्राम सरैया में, प्राथमिक विद्यालय में जो कैंप लगाया गया है, कैसे यहाँ पे लोग लाभान्वित हो रहे हैं और क्या क्या लाभ यहाँ पे मिल रहा है। हमारे ग्राम प्रधान जी ने बताया कि 6 प्रकार से यहाँ